नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के खूह कुंडियावाला गली नंबर 5 में गत दिवस हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया काबू, एक फरार। अमृतसर के वेरका इलाके में रेलवे लाइन और खाली पड़े प्लॉट में नशा करने वाले 20 नशेड़ियों को पुलिस ने किया काबू। जालंधर के गुरु अमरदास नगर में पंजाब सरकार की ओर से चलाई गई मुहिम सरकार आपके द्वार के तहत लगाया गया कैंप, कई समस्याओं का किया निदान। और अब हलचल विस्तार से। गत दिनों अमृतसर में एक नौजवान गुरकिरत सिंह उर्फ किरत के बयानों पर मामला दर्ज किया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि वो 5 फरवरी को दोपहर लगभग 2:30 बजे अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर खूह कुंडियावाला गली नंबर 5 से गुजर रहा था। इस दौरान उसके जानकार अंकुश और उसके दो दोस्तों ने उसे देखते ही गाली गलौच शुरू कर दी, पिस्तौल निकालकर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें एक फायर शिकायतकर्ता के कूहले में लगी, जिसके बाद थाना सदर में मामला दर्ज किया गया था। इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क ने बताया कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मामले की जांच हर पहलू से करने पर आरोपी अंकुश को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक पूछताछ के दौरान आरोपी अंकुश कुमार द्वारा कबूला गया है कि उनके घर उनके बुलाने पर ज्ञानी नामक एक व्यक्ति आया था। जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि शिकायतकर्ता गुरकिरत सिंह रोहन और सईहाद उर्फ सूरज मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनके घर आकर गेट पर दातर से वार कर गाली गलौच कर ईंट पत्थर बरसाते हैं, जिसके बाद अंकुश कुमार और उसके साथी ज्ञानी ने पिस्तौल के साथ शिकायतकर्ता गुरकिरत सिंह पर फायर किए थे, जिसमें गुरकिरत सिंह घायल हो गया था और इस मामले में अंकुश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 20 ਹੈਗਾ 307 ਦੇ 34 IPC ਦੇ ਆਮ ਜੱਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਕ੍ਰੋਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਜਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡੇ ਕੁੰਡਿਆਲਾ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਫਾਸੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈਗਾ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਗੈਦਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਵੇਰਕਾ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਔਰ ਖਾਲੀ ਪੜੇ ਪਲੋਟੋ ਕੋ ਨਸ਼ੇੜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਕਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਮੇ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਦਵਾਈ ਕੋ ਟੀਕੇ ਮੇ ਭਰ ਕਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ दिन दिहाड़े लगाया जा रहा है, जिसके विरोध में इलाका वासियों द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई, तो वहीं पुलिस प्रशासन को इस संबंधी अपील की गई कि इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इस बात का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ सकता है और यहां से महिलाओं का गुजरना तक मुश्किल हो गया है। बस आ बगे वाली पत्ती आ तो बस इतने यो दवाई उतो लिया सेंटर बस जेद को हैगी जी कोई कापी बनी आ वो दूजे को लैके लाई जाता बस यो कम सारी दिहाड़ी। फिर किसी की इन्होंने कोई बच्चा नहीं वेखना भी यार बच्चों का असर पेगा, किसी की कोई माँ भैन नहीं वेखनी,
ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਕੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਟਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ? ਭਾਜੀ ਕਰਨ ਕੁਵਾੜੀਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਰਨ ਕੁਵਾੜੀਏ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨ ਡੇ। ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਹਰ ਟਾਈਮ 40-50 ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। वहीं जब इस संबंध में थाना वेरका के नए बने SHO सरबजीत सिंह से बात की गई तो उनके पास वायरल वीडियो आई है जिस पर कार्यवाही करते हुए सार्वजनिक स्थानों, रेलवे ट्रैक और खाली प्लॉटों में से 20 के करीब नौजवानों को पकड़ा है जो कि नशा छुड़ाओ केंद्र से दवाई लाकर उसका सेवन नशे के लिए करते थे। इस दौरान उन्होंने नशेड़ियों और नशा तस्करों को चेतावनी दी है कि वे सुधर जाएं, नहीं तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज सवेर का ही प्रोसैस चलन डे, एक्चुअली पब्लिक विच काफ़ी इस चीज़ का रोह सीगा। इत्थे ग्राउंड दे साइड मड़ियां वाली साइड ते काफ़ी मतलब जड़े नशेड़ी वगैरह बैठते सीगे रेलवे लाइन ते भी, इन्हां ते अज असी अपनी पूरी टीम नू नाल लैके ऑपरेशन किया। काफ़ी जड़े इहदे बंदे आपां लियांदे सीगे, ये की करते हैं कि टीके की इतों गोली लैके तो टीका ले लाते अपने होस्पिटल वाली गोली का, और वो नाल की है कि आम जनता के इस चीज़ की दहशत आ, और जोड़े नशेड़ी ने ये काफ़ी तादाद अपने एरिए कुछ घट ने, आप दूजे एरिए जोड़े नशेड़ी से वह भी लिया के इतने उन्होंने अज पुछगिछ की गई है। बीते दिनों पंजाब सरकार की ओर से सरकार आपके द्वार मुहिम का आगाज किया गया था। इसी के तहत जालंधर के गुरु अमरदास नगर में वार्ड नंबर 1 और 2 से संबंधित क्षेत्रों में इस कैंप का आयोजन किया गया जिसमें आम आदमी पार्टी नॉर्थ हल्का इंचार्ज दिनेश ढल ने शिरकत की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी लोगों की समस्याएं सुनने के लिए मौजूद रहे। इस संबंधी जानकारी देते हुए दिनेश ढल ने बताया कि सरकार आपके द्वार मुहिम लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। इस कैंप के दौरान किसी भी व्यक्ति या किसी भी वार्ड से संबंधित कोई भी समस्या जैसे पेंशन ना मिलना, सड़कें ना बनी हो, स्ट्रीट लाइट जैसी कई समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे मिलेगा। इस कैंप में हर विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे, चाहे वे नगर निगम से जुड़ा हुआ हो या एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो। तो वहीं उन्होंने बताया कि ये कैंप शहरों में ही नहीं बल्कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाए जाएंगे। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के युवा नेता कुणाल भी मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरी अगुवाई च नहीं कैंप लग रहे, कैंप लग रहे ने CM सरदार भगवंत सिंह मान की अगुवाई। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 10-20 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, CM ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਟਖਟ ਗਲਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਲੰਧਰ ਥਾਣਾ 3 ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ 12 ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕੇ ਗੱਟੂ ਸਹਿਤ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕੀਆ ਹੈ। इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि ACP नॉर्थ दमनवीर सिंह ने आदेश दिए थे। उनके आदेश के अनुसार थाना 3 की तरफ से रोजाना देर शाम को अलग अलग जगह पर नाकेबंदी की जाती थी। इसी कड़ी के चलते गत रात्रि इकहरी पुली के पास ASI सतनाम सिंह की तरफ से नाकाबंदी के दौरान बच्चों को चाइना डोर गट्टू सहित काबू किया गया। इस मौके पर
थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बच्चों के माता पिता को सख्त चेतावनी दी कि वे अपने बच्चों को चाइना डोर का इस्तेमाल ना करने दें, क्योंकि इसकी वजह से सड़कों और गलियों में चलने वाले राहगीर और वाहन चालक इसका शिकार हो रहे हैं। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज का 669वां जयंती महोत्सव गद्दी श्री बाबा लाल दयाल जी चौक करमो देओड़ी अमृतसर में परम पूजनीय पीठाधीश्वर श्री 108 श्री महंत अनंत दास जी महाराज के सानिध्य में 11 फरवरी को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महंत अनंत दास जी महाराज ने बताया कि इसी उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा 9 फरवरी सुबह 11 बजे गद्दी परिसर से आरंभ होगी, जिसमें बाबा लाल जी की जीवनी पर आधारित सुंदर झांकियां भक्तों को सुशोभित करेंगी। इसके अलावा संत समाज के रथ, हाथी, घोड़े, वानर सेना, गतका पार्टी, भांगड़ा टीमें, शहनाई वादक बैंड, पुलिस बैंड, धार्मिक राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधि विशेष तौर पर पधारेंगे। शोभा यात्रा गद्दी परिसर से आरंभ होकर कटरा जैमल सिंह चौक फरीद से होती हुई वापस गद्दी परिसर पर आकर संपन्न हो जाएगी। 11 फरवरी को सुबह 10 बजे सतगुरु श्री बाबा लाल दयाल जी की आरती के बाद प्रसिद्ध भजन गायक सतगुरु बाबा लाल दयाल जी का गुणगान करेंगे, जिसके बाद अटूट भंडारा दिन रात चलेगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बाबा लाल दयाल जी महाराज जिनका 669वां जयंती महोत्सव गद्दी बाबा लाल दयाल जी चौक करमा डोडी अमृतसर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, उस संबंध में एक विशाल शोभा यात्रा 9 फरवरी को प्रातः 11 बजे गद्दी परिसर से आरंभ होगी, जो शहर के भिन्न भिन्न इलाकों से होते हुए गद्दी परिसर पे संपन्न होगी। 11 फरवरी को प्रातः 10 बजे बाबा लाल दयाल जी महाराज का पंचामृत स्नान होगा। भजन मंडलियां सारे दिन बाबा लाल जी का गुणगान करेंगी। सत्संग प्रवचन के अलावा अटूट भंडारा सारा दिन चलेगा। रात्रि 12 बजे आरती होगी, महाआरती अरदास होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो भक्तजन है वो खुशी में पटाखे भी चलाएंगे, रंग बिरंगे नाचेंगे भी, तो ये प्रोग्राम सारे दिन 11 फरवरी को और रहेगा। BNI जालंधर चैप्टर की ओर से जालंधर के एक निजी होटल में एक बिजनेस सोशल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें निविया स्पोर्ट्स के MD राजेश खरबंदा ने मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होकर अपनी उद्यमशील यात्रा के बारे में बताया और अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर SDC के अध्यक्ष सुमित गांधी, रीजनल ट्रेनर सुमित पाल सिंह, मनजिंदर सिंह चड्ढा, अमित गर्ग, राजेश शर्मा, गौरव दयाल, भवनीत सिंह मक्कड़, अंगद बवेजा, गुरप्रीत सिंह मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू एंड अ स्पेशल वेलकम टू आर द मोस्ट पंक्चुअल गेस्ट ऑफ ऑनर वी हैव सीन टिल नाउ, मिस्टर राजेश शर्मा जी, CMD निविया स्पोर्ट्स। फ्रेंड्स, प्लीज गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन। सर ने 8 बजे का आने को कहा था एंड ही वाज 2 मिनट्स बिफोर टाइम ही रीच्ड द वेन्यू। वंडरफुल सर। मैं जब काम शुरू किया 16 साल की उम्र में, 10वीं कीती सियालकोट लैन पुज सी, उस तो बाद सियालकोट आए, उन्होंने ओबराय एंड कंपनी सी, गड्डा सिंह ओबराय जिन्होंने नींह पत्थर रखा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का सियालकोट च, उन्होंने इतने नौकरी की उन्होंने, और एक उन्होंने एज अ स्टोर कीपर का और क्लर्क का रोल पर काम किया। सियालकोट तो शुरू होकर पुणे काम किया, बॉम्बे और रंगून, उन्हें सैलरी सी 30 रुपए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अगे कुछ करना है, तो उन्होंने अपने 26 साल की उम्र के बिजनेस शुरू किया 1934 सियालकोट के। ट्रेडिंग कंपनी सी, कोई मैनुफैक्चरिंग नहीं सी, समान रॉ मटीरियल खरीदते सी ते मैनुफैक्चरिंग नूं वेचते सी। एहो ही काम तो थोड़ा जिहा स्ट्रगल और टाइम स्ट्रगल दे सीगे, पर उस टाइम मैं सोचो कि 1947 तो पहले गंडा सिंह ओबराय दुनिया के बहुत बड़े मैनुफैक्चर बन चुके हुए सी, बच्चा काम जा गया। हुण उन्हें भी आदत पाई कि 8:30 बजे जाना, जे 4 दिन 2 दिन लेट जाता है ना तो मैं आपे पहले उठ के लीड बाय एग्जाम्पल, तो फिर मैं वापस आ गया, जो कि मैं चाहता नहीं सी, मैं रिलैक्स हो गया सी।
ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਯੂ ਵਰ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਦਤ ਬੜਾ ਹੈ ਐਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਗੜਿਆ ਮੈਂ गुप्त नवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री शतचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन 10 फरवरी से 18 फरवरी तक सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर स्थित ट्रस्ट श्री महाकाली मंदिर में किया जा रहा है, जिसमें यज्ञ आचार्य राधेश्याम शर्मा वाराणसी वाले विशेष रूप से उपस्थित होकर महायज्ञ में मंत्रों उच्चारण सहित आहूतियाँ डाल यज्ञ करवाएंगे। इसी उपलक्ष में यज्ञ के आयोजक मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज को इस महायज्ञ में विशेष रूप से शामिल होने के लिए निमंत्रण देने पहुंचे। इस मौके पर उपयज्ञ आचार्य राज किशोर शर्मा, यज्ञ ब्रह्म पंडित अशोक शास्त्री, यज्ञ सहयोगी पंडित चंदन शास्त्री और यज्ञ संचालक पंडित दुर्गेश शास्त्री भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। आज ब्राह्मण समाज मां बगलामुखी धाम के सारे सेवादारा नूं आज निमंत्रण देन आया, जिहड़ा कि महाकाली मंदिर देवी तलाब मंदिर दे अंदर शतचंडी महायज्ञ होने जा रहा, उहदे च शामिल होने लिए आज निमंत्रण देन आए है। मेरे वल्लों समूह ब्राह्मण समाज नूं इह असीं आश्वासन दिंदे हां कि पूरे दल बल दे नाल असी पूरे जिहड़े वी मां बगलामुखी धाम दे सेवादार है पहुंचांगे। दीपक चावला अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रखे गए पाठ का भोग एवं रस्म क्रिया श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हॉल जालंधर में संपन्न हुई। इस मौके पर पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय दीपक चावला की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, उपाध्यक्ष ललित गुप्ता, विधायक रमन अरोड़ा, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बैरी, पूर्व CPS KD भंडारी, रमन शर्मा, रमन अरोड़ा, राकेश जसूजा, दीपक शारदा, अशोक भंडारी, कमल मेहता, दविंदर अरोड़ा, संजू अरोड़ा, रोनी, विनीत धीर, राजू शर्मा, अमित ढल और पारिवारिक सदस्यों में पिता रमेश चावला, उषा चावला, स्मृति चावला, राजकुमार चावला, पवन चावला, गोल्डी चावला, अक्षत, कृतिका सहित राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय दीपक चावला को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। जिस वक्त से गुरु महाराज की शान में आज तक दसो गुरु महाराज ने क्या है कि मेरे को ला दो चीजें, चिंता सुचिंतन। वो कहते हर बैठ के सुचिंतन कर, जिस वक्त अंतरक आत्मा हिते उठा लेगा, दसवीं द्वार के ले जाएगा, तो मेरा हो जाएगा कि मैं तेरा। चिंता का दी है, चिंता तां की काफी है, चिंता सजन जेड़ा बनिया है उन्हें टूटना, जेड़ा जमिया है उस दिन मरना। यही कहनी है ना चावला साहब, गलत कहनी है ये मेरी गल ज्ञान वाली है। ये नहीं कि राम राम को कि मैं टाइम पास नहीं, एक एक शब्द का तुहानू की पता उसकी मां की गलत समझ। संसार दे विच जन्म होना है या नहीं होना, जबकि गुरबाणी विच शब्द लिखा है कि मरण न खावे मंडल निहावे। तो पहला बंदिया मरना तो सीख ले, आज मरना तेनू भुलिया है अपने आप नू। पहली गल दसो इन्ने सज्जन बैठे कादा जीना साडा, जे असी उस परमात्मा का, उस वाहिगुरु का, उस गुरु महाराज का सिमरन। नंबर 3 शमशान बबलू जी, बेटा जिसवागत अक्षतीश चापनी डेड बॉडी शर्मन कुमार बन के बेटा की शमशान के विच लै गया है, उत्थे की होया? सोत पहले ज्ञान, सूरज उदय होता है, अंधेरा दूर हो जाता है। बबलू
तो जोत जगाइए, लाइट दे रही है, जोत के थले की है अंधेरा। असी बड़े बड़े ब्राह्मण लोग स्टेजा बह के ज्ञान देने हैं, कभी अपनी अंदर की छाती मारी। भला बुरे को देखन चला, अरे बुरा ना देखा कोई, अपने वेशे देखे तो भाई हमसा बुरा ना कोई। महाराज कहते तो रब की पुलिस है, और तू लोगों के रस्ते रोड़े कट्ठे करने का ठेका लिया है, जो करेगा सो भरे। जिस वक्त बेटा तू संस्कार किया है, चावला साहब संस्कार किया, कि मिनट लगे? 5 मिनट लगे, जबकि 45 मिनट। जाता के सेता पटाका, माता जी अग्नि विच ना बोल जावे, पूरा संस्कार नहीं मनिया जाता, पर साड़े को टाइम ही नहीं। आओ आचार्य जी नूं बुलाने, चलो जी सोटी लाओ। सोटी का मतलब है त्रिपाठी, एक प्राणी को आज्ञा है, लेके जाना है आज्ञा प्राणी को लैनी है, कि तुहाडा स्थान इत्थे साडा घर। आचार्य जी भी कह दें ब्रह्म भाव विष्णु वाक असराया, भाई जिधरों प्राणी आया उधर प्राणी जरा वो चला गया। जिस वक्त बाहर आने हैं चावला साहब, तुसी बुजुर्ग बैठे हो, दसो फिर की कहने हैं? सारी दुनिया ने जो होगा देखा है। नंबर 4 संग, गुरबाणी में शब्द लिखा है कि संग सखा सब ताजगे हो, कहो ना निभ्यो साथे, कहो नानक इस विपत में टेक के एक कर रखो। सरदारनी हरमिंदर कौर खरबंदा अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा 9वीं पातशाही दुख निवारण साहिब GTB नगर जालंधर में की गई। इस मौके पर रागी जत्थों ने वैरागमयी कीर्तन कर स्वर्गीय सरदारनी हरमिंदर कौर खरबंदा की आत्मिक शांति के लिए अरदास की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों सहित सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सरदारनी हरमिंदर कौर खरबंदा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
केएल सोहनी अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना सभा गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में की गई। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय केएल सोहनी की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, आलोक सोंधी, विवेक सोंधी, राकेश अग्रवाल, सतिंदर सिंह, पवन सोहनी, पूर्णिमा सोहनी, सुनंदा, रोमी, खुशबू सहित राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय केएल सोहनी की भावविनी श्रद्धांजलि में श्रद्धासुमन भेंट किए। श्रीमती प्रेम हरजाई अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म उठाला महालक्ष्मी मंदिर स्थित मेन हॉल जेल रोड जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडितों ने पाठ पढ़कर स्वर्गीय श्रीमती प्रेम हरजाई की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों में बेटा मुकेश हरजाई, भारती हरजाई, किरण हरजाई, राजकुमार हरजाई, राकेश कतियाल, सुरेंद्र बहल, विकास सोढ़ी, दविंदर मदान, मीनाक्षी कतियाल, मोनिका बहल, ममता सोढ़ी, रजनी मदान सहित धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय श्रीमती प्रेम हरजाई को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। चलाना होया उस तो दो तीन दिन पहला सटल हस रहे सी, खेल रहे सी, आशीर्वाद दे रहे सी। और जब मेरे तक यह मैसेज लगा कि पुवारी नहीं रहे, बड़ा दुख लगा कि इस तरह भी होता। पर परमात्मा की जी कलम है वो अगे किसी का बस हनी पिया। मीना देवी, मोना देवी, मिंटू देवी, रजनी भैन जी, मैं की सभा च बैठा कोई व्यक्ति की, संसार का कोई व्यक्ति की पुआरी साढ़े को वापस नहीं आ सकता। कहते हैं ना, एक रुख जितना मर्जी वड्डा हो जाए, जितना मर्जी वह वट वृक्ष बन जाए, वह फल देने छड़ सकता है पर कभी अपनी छाया देने नहीं छड़ सकता। सो पुआरी साढ़े नहीं रहे, इन्होंने छाया रूपी आशीर्वाद हमेशा साढ़े बच्चे रहेगा। मैं नहीं आ सकता इन्होंने वापस, पर अरदास कर सकता परमात्मा के चरणों में कि हे परम पिता परमात्मा, इन्होंने अपने चरणों में स्थान दे। कहते ने किसी की खुशी के शामिल होने के नाल उसकी खुशी बहुत बढ़ जाती है, उसी प्रकार किसी के गम के शामिल होने के उसका काम घट जाता। सो तुसी सब लोग इस शोक सभा दे विच आके परिवार के नाल जिस प्रकार संवेदना व्यक्त करी है, मैं परिवार वालों
ਹਰਜਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। अमृतसर के खूह कुंडियावाला गली नंबर 5 में गत दिवस हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया काबू, एक फरार। अमृतसर के वेरका इलाके में रेलवे लाइन और खाली पड़े प्लॉट में नशा करने वाले 20 नशेड़ियों को पुलिस ने किया काबू। जालंधर के गुरु अमरदास नगर में पंजाब सरकार की ओर से चलाई गई मुहिम सरकार आपके द्वार के तहत लगाया गया कैंप, कई समस्याओं का किया निदान। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।